फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कैसे करेंगे। फ़ोन पे में आप भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और आपको इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप डिलीट करेंगे इस वीडियो में आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस तरह से आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करेंगे फ़ोनपे में, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप फ़ोनपे हिस्ट्री को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करोगे। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद नीचे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, तो हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सारा हिस्ट्री शो हो जाएगा। आपको फ़ोन पे हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ से बैक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर व्हाट का ऑप्शन दिख रहा है, व्हाट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। व्हाट वाले ऑप्शन क्वेश्चन मार्क है तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे छः ऑप्शन आपको देखने को मिला, पेमेंट इशू, पेमेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल एज पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे दिया, बिल रिचार्ज पेमेंट, रेफरल अर्न और यहाँ पे अदर पेमेंट। तो आपको क्लिक करना प्रोफाइल पेमेंट्स, प्रोफाइल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे माई फ़ोन पे प्रोफाइल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ पे पेमेंट मेथड दिया हुआ, पेमेंट मैनेजमेंट सेटिंग, सेटिंग एंड परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे सिक्योरिटी दिया हुआ। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, माई फ़ोन पे प्रोफाइल इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल, माई फ़ोन पे प्रोफाइल डिटेल और यहाँ पर माई सेव एड्रेस और KYC। तो आपको यहाँ पे दो नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दूसरा नंबर पे यहाँ पे माय फ़ोन पे अकाउंट डिटेल इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो चेंज फर्स्ट में है चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग फ़ोन अकाउंट, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग माई अकाउंट। तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है चेंजिंग और डिलीटिंग अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आपको यहाँ पे देखना डिलीट ऑल माय पेमेंट डिटेल ऑन फ़ोन पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन डिलीट, यहाँ पर देख सकते हैं कैन डिलीट ऑल माई पेमेंट डिटेल ऑन फ़ोन पे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि RBI गाइडलाइन क्या, नहीं यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लैंग्वेज आपको हिंदी कर देना है, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी करके आपको सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे कंटिन्यू करना। उसके बाद आपका यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ RBI के निर्देशा के मुताबिक किसी भी पेमेंट ऐप के यूजर ऐप पेमेंट जानकारी डिलीट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि बता रहा है कि आप फ़ोनपे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर सकते, यानी RBI का गाइडलाइन के खिलाफ आप यहाँ से फ़ोनपे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको फ़ोनपे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका डिलीट नहीं होगा। तो आई होप आपको इस तरह का वीडियो सर्च नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोनपे हिस्ट्री डिलीट कभी नहीं होगा। अगर फ़ोनपे हिस्ट्री डिलीट होता है तो आप ही को नुकसान होगा। अगर आपको कोई बंदा यहाँ से पैसा, आप किसी के पास पैसा भेजते हो और वो आपको फ़ोनपे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर देगा और बोलेगा कि पैसा मेरे पास नहीं आया, तो इस तरह का आपका धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसलिए फ़ोनपे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका डिलीट कभी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।